तो अब हमारे ऑलमोस्ट सारे फिल्टर्स लग चुके हैं और इसके बाद मैं जैसे ही इस क्वेरी को रन करता हूं तो मेरे सामने सिर्फ 7 ऐसे स्टॉक्स निकल कर आए हैं। तो मैं अब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। यहां पर आपका एक स्टॉक का चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट अपने हाई पर है, तो क्या यहां पर आप इस स्टॉक को बाय करोगे? एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि शेयर की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट अपने हाई के पास है। और इसके बाद एक तीसरा एग्जांपल भी देखोगे तो यहां पर भी स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने ऑलमोस्ट हाई पर है, तो क्या आप यहां पर एक स्टॉक को बाय करोगे या नहीं? तो आई नो आप में से मेजॉरिटी लोगों का आंसर ये होगा कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टॉक में ऑलरेडी एक बड़ी रैली आ चुकी है तो इसके बाद तो प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, तो यहां पर हम क्यों बाय करेंगे? अब देखो अगर आपने बाय किया होता तो क्या होता। आप देख सकते हैं कि आपने यहां पर बाय किया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपको मूव यहां पर देखने को मिला है। दूसरा जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था उसको भी देख लो। अगर आपने यहां पर बाय किया होता तो उसके बाद देखो शेयर की प्राइस कहां पे गई थी। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। अब इसके बाद एक तीसरा वाला एग्जांपल भी देखें और ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी रैली देने के बाद भी स्टॉक ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और इसके बाद भी प्राइस में आपको कितना बड़ा मूव देखने को मिला है। और इन सभी मूव के पीछे का रीजन सिर्फ एक है और वो है मोमेंटम। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मोमेंटम बेसिकली किसी भी मूव मतलब किसी भी चीज की चाल को डिफाइन करता है। मतलब अगर कोई चीज हाईली इन मोशन है तो उसे हाई मोमेंटम कहा जाता है एंड वाइस वर्सा। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो मान लीजिए कोई रोड पे गाड़ी चल रही है 100 की रफ्तार पे, तो अगर उसमें ब्रेक लगाई जाती है तो क्या वो एकदम से जीरो पे आती है? नहीं, वो एकदम से जीरो पे नहीं आती है। वो पहले 100 से 95 पे जाती है, 55 पे जाती है, 45 पे जाती है और तब जाके वो जीरो पे आती है। यानी अगर किसी गाड़ी में सडनली ब्रेक लगाया जाता है या फिर कोई गाड़ी क्रैश भी करती है ना, तो वो हाई मोमेंटम से लो मोमेंटम में आने में कुछ ना कुछ मूव जरूर देती है। तो यही सेम कंसेप्ट जब हम स्टॉक मार्केट में लगाकर ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि हाई मोमेंटम में है तो उसे मोमेंटम ट्रेडिंग कहा जाता है। और इसमें हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक ने पहले ही मूव दे दिया है। जैसे यहां पर भी देखा कि स्टॉक अच्छा खासा बढ़ चुका था लेकिन उसके बाद भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। तो हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि ऑलरेडी मोमेंटम में है और उनमें राइड करके हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में बेसिकली हम एक स्टॉक को जब वो बढ़ रहा है ना तब उसको हाई पे खरीदते हैं और उसको और हाई पर जाकर सेल कर देते हैं। तो मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है ये तो आपको क्लियर हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है और किसमें ट्रेड लेना है या फिर किसमें ट्रेड नहीं लेना है। तो इसके लिए बेसिकली हमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही तरह का एनालिसिस करना होगा। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का एक एक घंटे का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस इसके लिए आपको कमेंट करना है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो टेक्नो फंडा एनालिसिस करने के लिए हम यूज करेंगे स्क्रीनर का। इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज करता हूं इसलिए आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर हमें क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां पर अपने फिल्टर्स लगाने हैं। इससे हम उन स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे जिसमें हमें शॉर्ट टर्म यानी एक महीने से लेके मिड टर्म यानी 12 महीने के बीच में एक ठीक ठाक मूव देखने को मिला है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें माइक्रो कैप स्टॉक्स तो नहीं चाहिए, तो यहां पर मैं उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्ट करूंगा जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां पे हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखा है और इसके बाद यहां पर हम ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे और यहां पर हम उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा है और उसके बाद हमें एंड पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमें सिर्फ वही कंपनीज देखने को मिलेंगी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें मैनिपुलेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज देख रहे हैं। अगर आपको और ज्यादा सेफ चलना है तो इस 1000 को आप 5000 करोड़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट करना है वो है प्राइस सिलेक्शन। हमें देखना है कि कौन सा ऐसी प्राइस है जिस प्राइस पे जाने के बाद हमें एक स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक किसी ट्रेंड में है तो ऐसे ही रैंडम किसी भी जगह पर हम बाय करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहां पर हमें अक्सर हाई मोमेंटम देखने को मिलता है और वो पॉइंट है 52 वीक हाई। यानी जो भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर होते हैं या फिर अपने ऑल टाइम हाई पर होते हैं वहां पर सबसे पहले तो देखो, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है तो इस जगह पर उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो हमारे लिए ये हो जाता है। दूसरा, क्योंकि स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर है तो इसका मतलब है कि उसने ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रेंड ले लिया है, जिस वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि स्टॉक की प्राइस तो बढ़ी रही है, अभी शायद और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसी सिचुएशन में नए लोग भी एक स्टॉक में एंटर करते हैं कि स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है, अभी शायद और ऊपर तक जाएगी। बड़ी बड़ी एजेंसीज उसके टारगेट देने लग जाती हैं, जिस वजह से इस जगह पर बायर्स में कॉन्फिडेंस आता है और यहां पर एक बड़ा ट्रेंड दिखने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हमें फिल्टर लगाना होगा, करंट प्राइस यानी शेयर की अभी जो प्राइस चल रही है शुड बी ग्रेटर देन, यानी ज्यादा होनी चाहिए। किससे ज्यादा होनी चाहिए? उसकी हाई प्राइस से। लेकिन यहां पर हमें इसके साथ ही चाहिए कि सिर्फ हाई प्राइस ना हो बल्कि उसके 10% के आसपास जो भी हैं वो स्टॉक्स भी हमें देखने को मिल जाएं। तो इसके लिए हम हाई प्राइस पे क्लिक करने के बाद यहां पर एक मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई यूज किया है, और इसको हम कर देंगे 0.90। तो इससे अगर मान लीजिए स्टॉक की जो प्राइस है वो 100 रुपीज है और उसकी जो हाई प्राइस है वो भी 100 रुपीज है, तो 100 × 0.90, तो ऐसे में हमें वही स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिनकी अभी जो प्राइस चल रही है वो उनकी हाई प्राइस से 10% ज्यादा होगी। अब ये जो 10% का मार्जिन है ना, ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि कई बार एक जो स्टॉक है वो अपने हाई पर जाने के बाद वहां पर रेजिस्टेंस होने की वजह से गिरने लग जाता है। तो हम यहां पर सिर्फ वही स्टॉक्स देख रहे हैं जिन्होंने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है और वो 10% बढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो थर्ड फिल्टर हम यहां पर यूज करेंगे वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें बताता है कि एक स्टॉक में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है ज्यादा लोग उस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, मतलब ज्यादा लोग उस स्टॉक को बाय या सेल कर रहे हैं। और अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब कम लोग उस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं। तो हमें चाहिए कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए, तो इसके लिए हम नेक्स्ट फिल्टर यूज करने वाले हैं, वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन। अब देखो वॉल्यूम बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस बहुत ही ज्यादा है तो वहां पर आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर भी हम मान लेते हैं कि जो 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम है, और यहां पर मैं 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम इसलिए देख रहा हूं क्योंकि हमारा जो प्लान है वो शॉर्ट से मिड टर्म के बीच का है, तो इसलिए हम 1 वीक का देख रहे हैं। आप 1 महीने का भी देख सकते हैं और चाहे तो दोनों ही फिल्टर को लगा सकते हैं। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से 5 लाख से ज्यादा। अब मैंने आपको बताया कि इसमें जो बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जैसे कि MRF, उसमें आपको 5 लाख का वॉल्यूम बहुत रेयरली ही कभी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इतना ज्यादा वॉल्यूम लेके चल रहे हैं तो यहां पर हमारे सामने छोटे छोटे स्टॉक्स आ सकते थे, बट उसके लिए भी ऑलरेडी हमने फिल्टर लगा रखा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब एक बार मैं इस क्वेरी को रन करके दिखाता हूं। तो जब हम इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे सामने 213 स्टॉक्स निकल कर आते हैं आउट ऑफ 5000 स्टॉक्स जो कि स्टॉक मार्केट में है। लेकिन अभी हमें और भी फिल्टर लगाने हैं। वैसे जो चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं ना, ये चीजें लोग पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी दिखाई ना दे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर हम यहां पर यूज करेंगे वो है पेट्रोस्की स्कोर। ये एक ऐसा स्कोर है जिससे हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी कंपनी को फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना है ना, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और इसमें बेसिकली 9 पैरामीटर्स होते हैं और हर पैरामीटर का एक स्कोर होता है, और ये है वो 9 पैरामीटर्स जो कि पेट्रोस्की स्कोर में यूज होते हैं। अब ये जो पेट्रोस्की स्कोर है, अगर ये 7 से ज्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है, तो हम अपने फिल्टर में इसको 7 से ज्यादा ही यूज करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ऐसा ही एक और आइडेंटिकल मैट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्टमैन जी स्कोर। इस स्कोर से बेसिकली हम ये पता कर सकते हैं कि किसी कंपनी के फ्यूचर में बैंकक्रप्ट होने के कितने चांसेस हैं। बट क्योंकि आज हम एक स्टॉक को शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए एनालाइज कर रहे हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो वहां पर आप ऑल्टमैन जी स्कोर को भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट फिल्टर हमें लगाना है वो है पेट्रोस्की स्कोर। इसके लिए हमें यहां पर एंड लिखना होगा और इसके बाद यहां पर सर्च करना होगा पेट्रोस्की। जैसे ही हमने पेट्रोस्की लिखा है तो इसके बाद पेट्रोस्की स्कोर आ गया है जो कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 7। ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद अगर मैं फिल्टर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सिर्फ 34 स्टॉक्स ऐसे निकल कर आए हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर हम लगाने जा रहे हैं उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का जो पिछले 12 महीने का प्रॉफिट है वो उसके पिछले साल के प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम नेक्स्ट फिल्टर लगाएंगे उससे पहले हमें एंड लिखना होगा, वो फिल्टर है नेट प्रॉफिट। यहां पर हमने नेट प्रॉफिट जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर, जो कि हमारे हिसाब से ग्रेटर देन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किसके, उसके 12 महीने के प्रॉफिट से। तो इसके लिए हमें यहां पर फिर से नेट प्रॉफिट लिखना होगा और यहां पर हमें ऑप्शन आ रहा है नेट प्रॉफिट
प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो ये हमने फिल्टर लगा दिया है। अब इसके बाद दोबारा से मैं क्वेरी को रन करता हूं तो अब हमारे सामने सिर्फ 10 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। अब इसके बाद भी कुछ और फिल्टर है जो मुझे लगता है कि यहां पर हमें लगाने चाहिए, जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरे सामने सिर्फ वही स्टॉक्स निकल कर आए जिसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है ना, उन्होंने भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, ताकि हमें उस स्टॉक पे थोड़ा जो भरोसा है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए मैं फिर से यहां पर एंड लिखता हूं, और यहां पर एंड लिखने के बाद मुझे सर्च करना है FIIs जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो 0% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने 0 लिख दिया है। अब इस फिल्टर को लगाने के बाद मैं सर्च करता हूँ तो हमारे सामने अभी 10 के 10 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो अब इसके बाद हम कुछ और फिल्टर भी लगाएंगे जो कि टेक्निकल फिल्टर हैं, जिसमें एक फिल्टर है RSI। तो ये जो RSI है इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर RSI के बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है। कई लोग RSI को गलत समझते हैं, तो सही तरीके से RSI को कैसे समझना है इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर YouTube में सर्च कर लीजिएगा नीरज जोशी RSI और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो RSI का फिल्टर हम यूज करने जा रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि RSI हमारा 50 से ज़्यादा होना चाहिए और इसके साथ ही 70 से कम होना चाहिए। तो मैंने 50 से ज़्यादा का फिल्टर लगा दिया है। इसके बाद मैं दोबारा से लगा देता हूँ। अब इस बार हम करेंगे लेस देन 70। तो अब जैसे ही मैं लेस देन 70 करता हूँ तो अब हमारे ऑलमोस्ट सारे फिल्टर्स लग चुके हैं। और इसके बाद मैं जैसे ही इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मेरे सामने सिर्फ 7 ऐसे स्टॉक्स निकल कर आए हैं। तो ये जो 7 स्टॉक्स हमारे सामने निकल कर आए हैं ना, सबसे पहले तो देखो ये अपने 52 वीक हाई के आसपास है। इनको हमने इसलिए ब्लर कर रखा है क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मेरा पर्पस आपको सिखाना है, इसलिए हमने इन स्टॉक्स के नाम ब्लर किए हैं। और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हो सकता है आप 1 महीने 2 महीने या 4 महीने बाद वीडियो को देख रहे हैं और उस टाइम पर ये स्टॉक्स इन फिल्टर्स को लगाने के बाद ना आए, तो आप अपने हिसाब से खुद से फिल्टर्स लगा सकते हैं और खुद से स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो अब जब आपके सामने स्टॉक निकल कर आ जाते हैं तो क्योंकि आपने एक स्टॉक को शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म तक के लिए बाय करना है जो कि 1 महीने से 1 साल के लिए हो सकता है, तो यहां पर आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करना होगा। और वो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको उसका चार्ट देखना होगा। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक सामने आए आपने इन्हें बाय कर लिया। तो अब जो स्टॉक मेरे सामने आए हैं ये 7 हैं, तो इन 7 में से मुझे किसी एक स्टॉक का आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी समझाना है, तो मैं अब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शायद वो स्टॉक अच्छा होगा इसलिए मैंने डिसाइड किया है। तो यहां पर मैं रैंडम नंबर जनरेटर का यूज कर रहा हूं जिसमें मैंने सेट कर लिया है कि 1 से 7 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहां पर हमारा जो नंबर निकल कर आया है वो है 6। तो अब इसमें से जो 6 नंबर का स्टॉक है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अब इस स्टॉक का नाम को आपको दिखाई दे रहा है कि कॉर्पोरेशन है, तो इसको हम अगर टेक्निकली एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें चलना होगा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में। तो हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और यहां पर इस स्टॉक को सर्च करते हैं। तो सर्च करने के लिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और स्टॉक का नाम लिखना है। यहां पर हमें वो स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो इसका चार्ट हमारे सामने खुलकर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो फिल्टर लगाया था उसमें हमने ऐसा स्टॉक ढूंढा था जो कि अपने हाई के 10% के आसपास हो। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस स्टॉक का हाई है और ये इसके 10% के आसपास है। इसके अलावा फंडामेंटल्स तो हम ऑलरेडी इसके देख ही चुके हैं, हमने फिल्टर्स में लगाए ही है, बट दूसरा एक टेक्निकल फिल्टर हमने लगाया था वॉल्यूम का। तो यहां से मैं वॉल्यूम इंडिकेटर को भी सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसके लिए मुझे वॉल्यूम इंडिकेटर यहां पे लगाना होगा। जैसे ही मैंने वॉल्यूम पे क्लिक किया है तो यहां पर वॉल्यूम हमारे सामने आ गया है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वॉल्यूम पे क्लिक किया तो यहां पर हमारा जो वॉल्यूम है वो रीसेंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं। और ये हमने 1 मिनट का चार्ट खोल रखा है, मैं यहां पर 1 डे का चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है और इसमें एक अच्छा खासा प्राइस में मूवमेंट भी आया है। इसके साथ ही तीसरा जो टेक्निकल फिल्टर हमने वहां पर यूज किया था वो था RSI का। तो चलिए अब RSI भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने RSI यहां पर लिखा है और इसके बाद यहां पर हमें दिखाई दे रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमारा RSI इंडिकेटर भी चार्ट पे आ चुका है और आप देख सकते हैं कि हमने लगाया था कि वो 50 से ज्यादा होना चाहिए और 70 से कम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 50 और 70 के बीच में है। तो आप देख सकते हैं कि जो फिल्टर्स यहां पर हमने इसमें अप्लाई किए थे वो सभी फिल्टर्स अप्लाई होने के बाद ही हमारे सामने स्टॉक निकल कर आया है। तो इसमें वो सारी क्वालिटीज ऑलरेडी हैं। तो अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस स्टॉक को बाय करना है, क्लियर कर दूं कि ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर अपना एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि आपको इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, तो देखिए क्योंकि आप शॉर्ट टर्म यानी 1 महीने से लेकर 1 साल के लिए इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो यहां पर आप 2%
3% का स्टॉप लॉस लेके तो नहीं चल सकते हैं, और यहां पर इसका जो सपोर्ट है वो आपको इस लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है, तो आप अपना जो सपोर्ट है वो यहां पर लेके चल सकते हैं, यहां पर आपका सपोर्ट होगा। तो अगर मान लीजिए आप यहां पर बाय कर रहे हैं, यहां पर आप इसे बाय करते हैं, तो यहां पर होगा आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट के लिए यहां पर आप RSI का यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर इसका जो RSI है वो 70 से ऊपर जाता है तो अभी आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बल्कि 70 से ऊपर जाने के बाद अगर वो वापस 70 से नीचे को आता है तब जाके आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स भी अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब एट दी एंड यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो मोमेंटम जो ट्रेडिंग है ये बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो वहां पर कई बार प्राइस गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो जब आप इसको अच्छे से समझ रहे हो और आप खुद से इसको पहले पेपर ट्रेड में अप्लाई करके देख रहे हो, तभी जाकर इसमें आप एंटर करो, इस ट्रेड को लेने की कोशिश करो, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। और यहां पर आपको अपने रूल्स को बहुत ही प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, तो फिर अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको लॉस होता है तो आपने उस पोजिशन को कट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आप सोच के बैठे हो कि क्या ही फर्क पड़ता है, 2-4-10 दिन और रख लेता हूं, 15 दिन और रख लेता हूं, क्योंकि ऐसे आपका जो लॉस है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तब भी आपको अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। दूसरा, अगर कभी जो स्टॉक है वो बहुत ही लंबे टाइम तक एक कंसोलिडेशन में रह जाता है, मतलब यहां से ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हमने तो स्टॉक को मोमेंटम देख के बाय किया था और उसमें मोमेंटम है ही नहीं, स्टॉक आपको यहीं पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस केस में भी आपको उससे एग्जिट कर देना है। आपको समझना है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, टेक्निकल बेसिस पर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो उसमें कुछ स्टॉक्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे लेकिन कुछ में तो स्टॉप लॉस हिट होना नहीं है। तो अगर कहीं पर हिट हो रहा है तो मान के चल लीजिए कि ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।